अस्सलाम वालेकुम। सो एज यू नो, आप लोग का प्रॉफ डिले हो चुका है फर्स्ट ईयर का। सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द स्केड्यूल जो कि वो प्रॉफ के लिए फॉलो कर सकें। तो मैं एक 40-day स्केड्यूल आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग अगर फॉलो करते हैं प्रॉफ के लिए तो आप लोग देखेंगे कि आपकी प्रॉफ की प्रिपरेशन बहुत अप टू द मार्क और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वो आप लोगों ने किस तरह बनाना है। अब आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 50 days पड़े हैं, तो 40 days के अलावा बाकी डेज को किस तरह यूटिलाइज करना है वो मैं आप लोग को सारा इसमें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑलमोस्ट 48-49 days अभी भी पड़े होंगे, आप लोग एक तो दिन इंजॉय भी कर सकते हैं। सो आप लोगों ने 40 days के स्केड्यूल में 2-3 days का लाजमी गैप अंदर बीच में छोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 40 days का स्केड्यूल बना रहे हैं तो आपने इसमें वो बनाना है 42-43 days का, ताकि इनकेस कोई मसला हो जाता है, बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई दिन आपका मिस हो जाता है ड्यू टू सम अननोन रीजंस, तो आप लोगों के स्केड्यूल पे ज़्यादा इफेक्ट कोई ना पड़े। और ये अब आप लोगों ने 40 days का स्केड्यूल किस तरह बनाना है, तो ये जो स्केड्यूल है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि डबल रिवीजन जिसमें हो सकती है। और आप जब 2 times रिवीजन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब प्रॉफ में आप जाके बैठेंगे, जब प्रॉफ की हॉलीडेज होगी खासतौर पर, तो आप लोगों में एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस होगा अपनी प्रिपरेशन पे। तो आप लोगों को मैं 40 days का स्केड्यूल बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह डिवाइड करना होता है। तो आप लोगों के पास 3 subjects है, फिजियो, बायोकेम एंड एनाटॉमी। अब आप लोगों ने इनको, फॉर एग्जांपल अगर 40 days का बना रहे हैं तो मैं जस्ट एक वीक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपने वीक एरियाज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। तो 12 days दें फिजियो को, 9 days बायोकेम को, और एनाटॉमी को फॉर एग्जाम्पल 19 days। बट आप लोगों ने ये नहीं करना कि 12 डेज में फिजियो खत्म करनी है, अब इसको फर्दर सब डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आप 12 डेज देते हैं, उसमें से आप लोगों ने जो 8 days है उसमें फिजियो को एंड करना है, और 8 days में आप लोगों ने फिजियो को अलोंग विद द पास्ट पेपर्स एंड करना है। पास्ट पेपर्स अब लाजमी करने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पास्ट पेपर से वो बुक पे मार्क कर लें और वो अच्छे से करनी है। इसमें आप लोगों ने जो 8 days है उसमें क्या क्या करना है, पास्ट पेपर और सारा सब कुछ प्रिपेयर करना है। MCQs की इधर बात पूछते होते हैं तो MCQs का ये तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आपने 8 days डिवाइड किया, जिस डे पे आप फॉर एग्जांपल ब्लड करने लगे हो, आप लोगों ने ब्लड के स्टार्ट करने से पहले 5-6 MCQs गाइडेड रिव्यू बुक से देख लेने हैं उसके, और उसके सॉल्व करके आइडिया लेने कि आपकी प्रिपरेशन अभी एक बारी रीड देने से पहले कैसी है, फिर करके जब रात को सोने से पहले 5-7 MCQs फिर से देख लें। तो ये ज़्यादा आप लोग का टाइम भी नहीं इस पर लगेगा और आप लोग को MCQs का आइडिया भी होता है। फिर फॉर एग्जांपल अगर बायो केम है तो उसमें आप लोगों ने 9 days रखे तो आपने 6 days में इसको कंप्लीट करना है। अब आप लोगों के पास फिजियो में 4 days पड़े हैं और अभी भी बायो केम में 3 days लेफ्ट है अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने जो फिजियो के 4 days है वो यूज़ करने हैं और इसमें दोबारा से रिविजन करनी है, और बायो केमिस्ट्री की 3 days में दोबारा से रिविजन। जो सेकेंड रिविजन होती है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपने इसमें उन चीज़ों से लाजमी गो थ्रू होना जो आपको ज़्यादा तंग करती है। फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजी में आप लोगों ने ये 4 दिन किस तरह यूटिलाइज करने हैं, इसमें आप लोगों ने ब्लड फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से रीड करना है, बिकॉज प्रॉफ में गाइडेंस से ब्लड फिजियोलॉजी रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है। सो यू कैन रीड इट थोरली, क्योंकि प्रॉफ में आपको 5-6 hours मिलेगी इसकी रिविजन के लिए। तो अगर आप अभी कर लेते हो तब आपको प्रॉफ में बहुत ईजीली रिवाइज कर सकोगे और आपको चीज़ों पर काफ़ी ग्रिप भी होगी। फिर इन 4 days में जो आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम पे पास्ट पेपर्स किए थे, वो जो निशान मैंने आपको कह के साथ साथ लगाते जाना है, वो जो निशान हो गए आप लोगों को आइडिया दे देंगे। और अब आप लोगों ने उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को इन 4 days पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होगी, ब्लड सर्कुलेशन तो लाजमी कवर करना, और उसके अलावा जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है, लाइक 80% आप लोगों ने इस इन 4 days में 80-90% दोबारा से रिवाइज लाजमी करना है। और बायोकेमिस्ट्री के 3 days में भी आप लोगों ने इसी तरह, जैसे आपको पता है कि प्रॉफ में आपको 2.5 days ऑलमोस्ट होंगे, तो आप लोगों ने 3 days में ट्राई करनी है कि बायोकेमिस्ट्री को एंड करें, और इसमें जिस चीज़ पर फोकस रखना है वो होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिपिन कोट की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, वाइटामिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप लोगों ने वाइटामिन को अच्छे से करना है। ग्लाइकोजामाइनो ग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीम जॉन्डस, हीम डिग्रेडेशन सिंथेसिस, ये सारी जो चीज़ें सबसे हाई यील्ड है पोर्फायरियाज जो लिपिन कोट में से खासतौर पर है, तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से करनी है। तो इस तरह आपकी देखें फिजियो और बायोकेमिस्ट्री की 2 times रिविजन हो जाएगी, और जब 2 times रिविजन हो जाएगी तो जब आप प्रॉफ के डेज में
इसके 2.5 डे होंगे, तो आप लोग को आइडिया भी होगा अच्छे से और आपकी रिवीजन और तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। लास्ट आ जाता है आपका एनेटमी। एनेटमी को अगर आप लोग देते हैं फॉर एग्जाम्पल 19 डे, जितने डेज भी देने हैं आपने एनेटमी को ट्राई करना है कि 4 to 5 डेज पहले एंड हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एनेटमी को अगर 19 डेज दे रहे हैं, तो आप लोगों ने 14 डेज में एनेटमी को कम्प्लीट करना है और बाकी 5 डेज में आपने रिवाइज करना है। इसमें भी 5 डेज में से 4 डेज में आप लोगों ने जो लास्ट 4 डेज रिवाइज है उसमें पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे से करने हैं, उसमें आप लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने हैं, और जो आप लोगों के क्लिनिकल्स हैं वो अच्छे से करने हैं, और जो डायग्राम्स है वो अच्छे से देखने हैं। तो ये आखिरी 4 दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस पर रखना है और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर रखना है, और जो लास्ट डे होगा उसमें आप लोगों ने अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यू पॉइंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसमें ये पॉइंट आया, आपको लगता है कि एमसीक्यू आ सकता है, इस तरह सर्कल किया करें और लिख दिया करें एमसीक्यू, तो आप लोगों को वो पॉइंट हमेशा जब भी आप वहाँ से गुजर रहे होंगे ना जहाँ पे आपने एमसीक्यू लिखा होगा, आप उसको फोकस करके पढ़ोगे और वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं, और वो जब भी प्रॉफ में आएगी तो आप लोग के जहन में इम्प्रिंट होगी और आप लोग को अच्छी तरह से आती होगी। तो ये हो गया आप लोगों का स्केड्यूल जो क्या 40 डेज में बना सकते हैं। 2 to 3 डेज का अंदर गैप लाजमी रखिएगा इन केस कोई मसला हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आप लोग फर्स्ट प्रॉफ दे रहे हैं तो आप लोग को शीट्स का आइडिया मैं आपको देता हूँ कि किस तरह होती है। शीट 3 बंडल्स की फॉर्म में होती है। 1 बंडल, फर्स्ट बंडल पे आपको लिखा होगा 1 to 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, सेकेंड बंडल पे 4 to 6 कर सकते हैं, और थर्ड पे लिखा होगा 7 to 9 कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट बंडल पे अगर 4th क्वेश्चन कर देते हो तो वो गलत है, वो अगर आपने बिल्कुल सही भी लिखा है आपको 1 मार्क्स भी उसका नहीं मिलेगा। फिर सेकंड बंडल पे अगर आप फॉर एग्जांपल 7 क्वेश्चन कर देते हो तो उसका 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। इन केस कोई आप लोगों से ऐसी गलती हो जाती है और आपको प्रॉफ के एंड पे प्रॉफ देने के बाद पता लगता है कि ये हुई है, आप उसी टाइम सुपरिटेंडेंट जो आप लोग का होता है उससे पूछे कि ये मुझसे गलती हो गया, वो आपको इसका कोई एप्लीकेशन या कोई तरीका बताएगा, तो वो वाला आप लोग पाथ पे फॉलो करें और उसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, तो फिर वो उसका प्रोसीजर होता है तो उससे आप लोग का चेक हो सकता है, बट अव्वल तो ये गलती करनी नहीं है। इन केस आप लोगों ने गलती कर दी और आपको उसी टाइम पता लग गया है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट शीट पे 4th क्वेश्चन भी कर दिया है, तो आप 4th क्वेश्चन को उधर क्रॉस करो और जल्दी से जाके जो उसकी ओरिजिनल शीट जिस पे आपका वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उधर वो क्वेश्चन दोबारा से राइट कर लो। तो ये आप लोगों को आप लोग इस तरह कर सकते हो। तो ये हो गया शीट का। फिर इसके बाद MCQs का थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। MCQs भी जैसे MCAT आप लोगों ने दिया था उसी तरह की आप लोग की शीट होगी। बबल फिलिंग आप लोगों ने करनी है, बबल बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी चीज़ है वो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 45 MCQs है, सो आप लोग पढ़ते जाएं, जो MCQs आता है कन्फर्म है उसका डॉट नहीं लगाना, उसी टाइम उसको फिल करें। जो MCQs आता है उसी टाइम उसको फिल करें। फॉर एग्जाम्पल आप 45 MCQs है, फर्स्ट गो में आपको 30 MCQs आते थे, आपने जब फर्स्ट गो कही है तो 30 MCQs के बबल्स फिल साथ साथ हो गए। इससे ये होता है क्योंकि एंड पे समटाइम्स होता है कि पेपर वो छीन लेते हैं और आप लोग के MCQs रह गए होते हैं और MCQs पैट मार्क्स होते हैं, तो जो आता है उसको उसी टाइम कर लें और जो नहीं आता उसको एंड पे करें। तो ये बात याद रखिएगा, ये डॉट वाला काम ना कीजिएगा, क्योंकि हर साल ऐसे होता है कि बहुत से बच्चे ये डॉट लगाते हैं और उसके बाद उनका पेपर जब छीन लिया जाता है फिर वो वापस कोई नहीं करते, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर्स होते नहीं है, जो भी होते हैं वो वैसे भी उनका एक टाइम आपको फिक्स्ड है, आपने उसी में हर चीज़ मैनेज करनी है, तो ये आप लोग की अपनी भी ज़्यादा गलती होती है। अच्छा, ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें फॉलो करनी है इसके लिए। फिर उसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ जो बातें हैं वो याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया डायग्नोसिस, तो आप लोगों ने डायग्नोसिस फॉर एग्जाम्पल मायस्थीनिया ग्रेविस बनता है, तो आपने मायस्थीनिया ग्रेविस जो भी है साथ लिख देना, बस ये इसका आंसर इनफ होगा। अब उसकी रीजन पूछी जाती है, तो आप लोगों ने रीजन को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल उसमें हमें एक पॉइंट आता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है, तो इसमें क्या बनता है ऑटो इम्यून है, एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो ये आप लोगों ने जो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बननी है, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोगों ने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल कोई फ्लो चार्ट्स
का बनता है, फॉर एग्जांपल कोई एंजियोटेंसिन का आता है क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, इस तरह की चीज़ हो और एंजियोटेंसिन बनना हो, तो वो पाथवेज आप लोगों ने फ्लो चार्ट की फॉर्म में करना है कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से रीनल फ्लो ज़्यादा हुआ, फिर उसमें रीनल जो भी डिफरेंट चीज़ है, जिस तरह का पाथवे आएगा आप लोगों ने जो चीज़ में फ्लो चार्ट बनते होंगे उसमें फ्लो चार्ट बनाने हैं, जिस चीज़ में आप लोगों के पॉइंट्स बनते होंगे उसको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। एनाटॉमी में जिस चीज़ की डायग्राम बनती होगी उसकी डायग्राम बनानी है, ज़रूरी नहीं जैसे भी बनती हो बना लें ताकि वो रिप्रेजेंट करें। हिस्टोलॉजी के लिए एक बात इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, उसको कभी भी बॉल पेन से नहीं बनाना, सबसे बड़ी गलती जो होती है बॉल पेन से नहीं बनाना, उसकी जो स्पेसिफिक हीमोटॉक्सिन एंड ईओसिन पेंसिल्स है इनको यूज़ करना है और इसी से बनानी है उसकी डायग्राम। और हिस्टोलॉजी के डायग्राम को पेपर के एंड पे रखा करें क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा टाइम, तो ये इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि इसको बनाने लग जाओ अगर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 12 मिनट्स मिल रहे होते हैं तो आप लोग ये 12 से ज़्यादा ही लगा देते हैं उस पर टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो करें तो आप लोग ईजीली, मतलब ये चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेक्ट करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज मैटर करती है। प्रॉफ इज गेम ऑफ नर्व, और जिसने अपनी नर्व्स को सबसे अच्छे से कंट्रोल किया उसका प्रॉफ सबसे अच्छा होता है, और इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, पास ऑलमोस्ट हो जाते हैं अगर आपको आता है, कोई इतना भी मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, बहुत सी चीज़ें पास की रिपीट होती है। अपनी नींद लाजमी पूरी करें और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज प्रॉफ आप लोग को यही सिखाएगा आफ्टर 5 ईयर व्हेन यू विल एंटर इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप लोग जब एंटर होंगे तो आप लोग डिफरेंट एमरजेंसीज अटेंड करेंगे, तब एकदम से कोई भी पेशेंट आ जाता है किसी भी तरह की चोट के साथ, और आप लोग को उसी फुल स्ट्रेस एंग्जाइटी हर चीज़ में उसको मैनेज करना है, तो ये अभी आप लोगों ने सीखना है। द बेटर यू कोप तो द बेटर यू विल स्कोर, सो हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर लें और कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जिस फील्ड में आए हो उसकी ये रिक्वायरमेंट है। ये अगर कहा जाए कि बहुत मुश्किल है मेडिकल फील्ड, ये आप लोग ने ये फील्ड अपनी मर्जी से चूज़ किया और ये उसकी रिक्वायरमेंट है जितना आप लोग पढ़ रहे हो। अभी भी पढ़ते हैं जितना वो तो मुझे आइडिया है, लेकिन जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा ही पढ़ें और जो अच्छा नहीं पढ़ रहे वो अच्छा पढ़ लें, क्योंकि बाद में तो ये पढ़ना ही है, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फील्ड। अगर आज नहीं सीखोगे तो कल अगर नहीं सीखते यू विल ट्रीट द पेशेंट रॉन्गली और उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप होगे। आज अगर किसी को आंसरेबल नहीं होगे, आज बच जाओगे तो द नेक्स्ट वर्ल्ड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट लाइफ। तो फॉलो दीज टिप्स, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द मेडिकल के। बस हमेशा याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन में भी कहानियाँ नहीं डालनी और पैराग्राफिंग नहीं करनी, और उसके बाद जो MCQs है साथ साथ सॉल्व करने हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो के इसमें बताई गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।